ये आज का प्रोग्राम जो है आयुष ग्राम, हम इसको कहते हैं दिल्लना हैज़ बीन टेकन एज आयुष ग्राम विलेज अडॉप्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बारामूला अंडर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आयुष ग्राम जो है यहाँ पे बेसिकली हमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। इससे पहले हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं उसमें हर स्कूल में जाके बच्चों को योगा कराना, कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस करना, पब्लिक दरबार्स करना, लोगों में अवेयरनेस आयुष के लिए उनको अवेयर किया जाए, वो प्रोग्राम्स हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसकी एक कड़ी फिर ये होती है जो हमारी गाइडलाइंस में है, वो एक मल्टी स्पेशलिटी मेगा कैंप का इनेकाद होता है जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि लोगों को जो है आयुष के तई बुलाया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएँ। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज को अडॉप्ट किया गया है और यहाँ बारामूला में हमने विलेज दिल्लना को अडॉप्ट किया हुआ है। अभी तक डॉक्टर साहब कितने पेशेंट देख चुके होंगे? पेशेंट्स ये तो फुल डे का प्रोग्राम रहेगा, लोगों को आज हमने यहाँ ऐलान करवाया है कि ये पूरा दिन चलेगा, लोग अपनी ईज पे आ जाएंगे। और मकसद जैसे मैंने कहा कि आयुष ग्राम में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, उसका ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं पीछे योगा का कंपोनेंट है। योगा हम यूज़ करते हैं फॉर फिटनेस, एक दूसरा हम योगा डिजीज स्पेसिफिक योगा कराते हैं, पेन मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, तीसरा उसके बाद योगा फॉर मेंटल पीस, और ख़ास तौर से आजकल के हालात में जो ड्रग डी एडिक्शन का प्रोग्राम चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, उसके लिए योगा जो है ये एक पैनेसिया है, एक तरह से एक आब हयात समझ लीजिए। अगर हम उनको जो एडिक्ट्स होते हैं उनको योगा की तरफ बुलाएं और वो इंटरेस्ट लें इसमें, एक तो उनको उनकी जो कॉन्फिडेंस है जो ड्रग छोड़ने की, डी एडिक्ट करने की, वो कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और दूसरा फिटनेस भी आती है उनको, अपने आप पे मेंटल सुकून भी आता है। क्या सब ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे? बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम्स आप को चूँकि मालूम है कोविड के टाइम से हमने बारामूला में, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कितना काम किया है। उस वक्त जिस वक्त कोई मेडिसिन नहीं थी फॉर कोविड, उस वक्त भी हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग कैंप्स चलाए। हमारा जो आयुष है मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त इंटरनेशनलाइज हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर में अभी इतना एक्सपोजर इसकी तरफ लोगों का नहीं है। मुल्क में तो है, जैसे आप केरला में देखिए, आयुष की वजह से तो वहाँ टूरिज़्म है ना, जैसे ये होता है पंचकर्मा होता है, बाकी चीज़ें हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने होने के बावजूद हमारे गुलमर्ग में तकरीबन 300 मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरा 100% आपको जो है स्पॉन्सर करता है। तो नहीं आ रहे नौजवान, आगे नहीं आ रहे हैं, तो उनको मैं यही अपील करूँगी कि वो आएँ, इसका जो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल करें। एक तो होता है डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना, है ना, डिज़ीज़ किस तरह ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये है कि इससे आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो जाएगा। आयुष को इस वक्त पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है, जैसे आप देखेंगे ब्राज़ील है, हंगरी है, 5 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह मैंने अभी देख रही थी रास्ते में कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है आयुष, जिसमें दैट इंक्लूड्स योगा आल्सो, हाँ, तो उसमें किस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरेस्ट ले रही हैं। तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम, हमें ये नहीं है कि ये आयुष वाले लड़ाई करेंगे, एलोपैथी वाले करेंगे उनके साथ, ये लड़ाई जगह नहीं, दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, नंबर वन, दूसरा ये ओवरऑल आपके जो लाइफ स्टाइल को, आपकी हेल्थ को जो है चेंज कर